रक्षाबंधन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजसी की स्थिति बनी हुई है। दरअसल ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 11 और 12 अगस्त दोनों को ही पड़ रही है। ऐसे में जानते हैं कि 11 और 12 अगस्त को दोनों ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा को दो दिन 11 और 12 अगस्त को मनाई जाएगी। पूर्णिमा दो दिन पड़ने के कारण रक्षाबंधन की सही तिथि को लेकर असमंजसी की स्थिति बन गई है। लोग इस बात की जानकारी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर राखी का त्योहार कब मनाया जाएगा और राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं कि 11 और 12 अगस्त में किस दिन राखी बांधने का शुभ रहेगा, साथ ही राखी बांधने के लिए उत्तम मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू होगी, जो कि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहने वाली है। पूर्णिमा तिथि दोनों ही दिन होने के कारण लोग असमंजसी की स्थिति में है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। इस संबंध में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि 11 अगस्त को वज्रकाल की छाया होने के कारण 12 अगस्त को राखी बांधना शुभ रहेगा। वहीं हिंदू पंचांग के मुताबिक 11 अगस्त को वज्रकाल सुबह से लेकर रात 8:51 तक रहने वाला है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रक्षाबंधन जैसे शुभ कार्य सूर्य अस्त के बाद नहीं किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन बहने ना तो वज्रकाल में भाई को राखी बांध सकते हैं और न ही रात के वक्त। इसलिए कुछ ज्योतिष और कर्मकांड के पंडित 12 अगस्त को ही राखी बांधना शुभ मान रहे हैं। हालांकि इस दिन 7:05 तक ही पूर्णिमा तिथि है, इसलिए आप 7:05 से पहले ही राखी बांधना या बंधवान शुभ रहेगा। और दोस्तों राखी बांधने की सही विधि क्या है। रक्षाबंधन के दिन बहन के राखी बंधवाते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठना होता है। साथ ही राखी बांधने के क्रम में बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही राखी की थाली में अक्षत, चंदन, रोली, घी का दिया रखे। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रोली और अक्षत का टीका लगाए, उसके बाद उसकी आरती उतारे, फिर भाई की कलाई पर राखी बांधे और मिठाई से उनका मुंह मीठा कराए। ध्यान रहे कि राखी बांधते वक्त भाई के सिर खाली नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप राखी का शुभ मुहूर्त अपने पंडित और ज्योतिष से भी जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।